जय हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार है इस बात का कि हमारा एरियर हमारे अकाउंट में कब आएगा, चार किस्तों में आएगा या एक किस्तों में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी। दोस्तों शुरुआत का एक मैसेज की शुरुआत जरूर हो चुकी है और वो मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी कर्नल किरण तिवारी साहब ने ये मैसेज डाला है और इस मैसेज में क्या लिखा है, जरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। उसमें लिखा है लेटेस्ट ऑन ओआरओपी एरियर पेमेंट शेड्यूल, यानी पेमेंट शेड्यूल के ऊपर लेटेस्ट जानकारी क्या है। उन्होंने कहा वन रैंक वन पेंशन सेकंड रिवीजन आफ्टर 5 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल फैमिली पेंशनर्स, गैलेंट्री अवार्ड पेंशनर्स, स्पेशल पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स विल बी पेड एरियर फॉर 42 मंथ फ्रॉम 1/7/2019 टू 31/12/2022 इज वन सिंगल इंस्टॉलमेंट इन जनवरी 2023। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जितने भी प्रकार के फैमिली पेंशनर्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं और दूसरे स्पेशल केसेस हैं एक्सेप्ट रेगुलर पेंशनर्स, उनका 42 महीने का एरियर 1 जुलाई 2019 से लगा करके 31 दिसंबर 2022 तक का एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में जनवरी एंड में पेड होगा। इस बात का ये दावा कर रहे हैं इस मैसेज के जरिए दोस्तों। बाकी का कब होगा जरा ये भी देखते हैं, बाकी का कब से शुरुआत होगी जरा ये भी देखते हैं, आप मेरे साथ रहना। ऑल अदर पेंशनर्स, यानी फिर ये लोग वो पेंशनर जो करीब 90% है, ऑल अदर पेंशनर्स विल बी पेड विद एरियर फॉर 42 मंथ। उन्होंने कहा 42 महीने का बाकी पेंशनर्स का उनकी चार किस्तों में बोला है और चार किस्तों ने इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 1/7/2019 से 31/12 यानी 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक, जो कि 31 दिसंबर अभी आने वाली है 2 दिन बाद। इसका 4 इंस्टॉलमेंट, पहला जनवरी 2023, दूसरा जुलाई 2023, तीसरा जनवरी 2024 और चौथा जुलाई 2024 में आपको मिल जाएगा। लग रहा है काफी रिलायबल है, क्यों कि जुलाई 2024 के बाद फिर एक और पेंशन रिवीजन होगा और वो भी इफेक्टिव 1 जुलाई 2024 होगा और उसका भी इंस्टॉलमेंट का तरीका ये पॉलिसी लेटर है आपने 7 नवंबर 2015 का, इसमें 4 किस्तों को छमाई किस्तों का उसमें जिक्र किया हुआ है, जो कि एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी दोस्तों। अब मैं ये जो न्यूज है आप इसके ऊपर आश्वस्त रहना, लेकिन पूरी तरह नहीं रहना कि नहीं ये आएगा तो आप किसी से लोन ले लो या किसी को चेक दे दो या बैंक में आ ही जाएगा। ये चीजें फ्लैश आउट होती हैं लेकिन इंप्लीमेंट होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये सोचो हाँ मिलेगा, होप इज लाइफ, किसी ने डाला है और मिलने वाला है तो सच होगा, लेकिन ये मैं अधूरा सच मान के चलता हूं। बहुत सारी चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, ये मैसेज फ्लैश हो रहा है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे पास मैसेज आया है किसी ने, एक कर्नल साहब है, तो मैं बोला चलो मैं आपके साथ इसकी जानकारी शेयर करता हूं।